नमस्कार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रशांत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खंडवा से बड़ी खबर के साथ, जहां इच्छापुर हाईवे पर यात्री बस पलटी। हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में रेफर किया गया है। तो हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। खंडवा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्टेयरिंग फेल होने के कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। तो आशंका जताई जा रही है कि स्टेयरिंग फेल होने के कारण अनियंत्रित होकर हाईवे पर ये बस पलटी है। इंदौर के इच्छापुर में यह हादसा हुआ, जहां हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। खरगोन से खंडवा जा रही थी यात्री बस, जिस दौरान यह हादसा हुआ तो इंदौर के इच्छापुर हाईवे पर यात्री बस पलटी। हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल रेफर कर दिया गया है। तो आशंका जताई जा रही है स्टीयरिंग फेल होने के कारण ये हादसा हुआ है। तो हादसे में 25 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। खरगोन से खंडवा ये बस जा रही थी, इंदौर के इच्छापुर हाईवे पर यात्रियों से भरी बस पलटी। हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो खरगोन से खंडवा ये यात्री बस जा रही थी, आशंका जताई जा रही है स्टीयरिंग फेल होने के कारण ये हादसा हुआ है। खबर है कि हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। खरगोन से खंडवा ये यात्री बस जा रही थी। तो बड़ा हादसा खंडवा से बड़ी खबर आप दे रहे हैं, जहां खरगोन से खंडवा जा रही बस यात्रियों से भरी बस पलटी। हादसे में 25 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो खरगोन से खंडवा ये बस जा रही थी, इस दौरान स्टीयरिंग फेल होने के चलते आशंका जताई जा रही है कि यह हादसा हुआ है। खंडवा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां खरगोन से खंडवा जा रही यात्रियों से भरी बस पलटी। ये तस्वीर आपके सामने हादसे की, जहां अफरा तफरी का ये माहौल आप देख सकते हैं। कई लोग यहां पर घायल हुए हैं, परिजन भी यहां पर साथ दिखाई दे रहे हैं। पुलिस बल भी मौजूद है मौके पर, लोगों को डायल 100 के द्वारा कई लोगों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें हादसे की, घटनाक्रम की आपके सामने। पुलिस बल जो है तैनात है, घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तो यात्रियों से भरी बस जो है पलटी के दौरान यह हादसा हो गया। आशंका जताई जा रही है कि स्टेयरिंग फेल होने के चलते यह हादसा हुआ है। तो मौके से ये तस्वीरें हैं आपके सामने। ये कई लोग यहां पर घायल हुए हैं, कई बच्चे भी यहां पर शामिल हैं, देख सकते हैं आप। खबर पर अधिक जानकारी लेंगे संवाददाता अभिषेक मिश्रा जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये बड़ा हादसा खंडवा में यात्रियों से भरी बस पर, क्या स्थिति अभी वहां पर बनी हुई है? कितने लोग घायल हुए हैं? क्या किसी की मौत भी इस दौरान हुई है? देखिए, जो ताजा जानकारी निकल सामने आ रही है उसके मुताबिक इस हादसे में 25 से अधिक यात्रियों के घायल होने की सूचना है, जिसमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यदि हम कुछ जो समय बीता है वहाँ के अगर हम इतिहास निकाले तो वहाँ लगातार हादसे हो रहे हैं। और बात की जाए, आज जो ताजा हादसा हुआ है वो तकरीबन सुबह 9 बजे हुआ है, और यहाँ बस में बस के स्टीयरिंग फेल होने के कारण ये हादसा हुआ, जिसमें 25 से ज्यादा यात्री के घायल होने की सूचना मिली है, जिन्हें 108 की मदद से 6 गाँव माखन स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। और ये भोजाघेड़ी के यहाँ पूरा हादसा हुआ है, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीण भी वहां पर मदद के लिए इकट्ठे हो गए थे। तुरंत पुलिस को भी सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को बाहर निकाला और इलाज के लिए समीप के स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया। तकरीबन 3 लोगों की हालत, जैसा मैंने आपको बताया, कि गंभीर बनी हुई है, बाकी को हल्की चोटें आई है। और इस बस हादसे में जितने यात्री थे वो रक्षाबंधन पर्व को लेकर अलग अलग स्थानों पर जा रहे थे, और वही वजह है कि सवारियों की भीड़ भी काफी बस में मौजूद थी। जैसा कि हम तस्वीरों के माध्यम से बता रहे हैं कि घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल है, लेकिन जिस तरीके से यह हादसा हुआ और बस क्षतिग्रस्त हुई है, उससे निश्चित तौर पर यह खुशकिस्मत दी जाएगी कि बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर नहीं हुआ, जो मामूली चोटें अधिकांश लोगों को आई है। तो ये एक बड़ा हादसा था निश्चित तौर पर, लेकिन जिस तरीके के हालात बने उसके बाद लोगों ने भी वहां पर बड़ी एक्टिवली तरीके से लोगों को मदद पहुंचाई है, पुलिस भी मौके पर तत्काल पहुंची, तो उसके कारण राहत आ रही समय पर उपलब्ध हो जाने से लोगों को समय पर उपचार मिल पाया है। जैसी जानकारी मिल रही है उसमें 3 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर तत्काल केंद्र पर उपचार किया जा रहा है। जी, का क्या कुछ कारण यहाँ पर सामने आया है? बस आशंका जताई जा रही है स्टीयरिंग फेल होने के चलते ये बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है, क्या कुछ यहाँ पर बात सामने आई है अभी?
देखिए शुरुआती जो प्रारंभिक जांच निकल रही है उसके मुताबिक यही है कि कहीं ना कहीं स्टीयरिंग फेल हुआ और उसके बाद ड्राइवर ने जितना ज्यादा संभाला जा सकता है वहां पर बस को वो संभालने का प्रयास किया, जिसके कारण कहीं ना कहीं कई यात्री जो है वो सकुशल रहे हैं। लेकिन सर मैं आपको बता रहा था कि ये इस पूरे मार्ग पर पहला हादसा नहीं है, पिछले करीबन एक महीने का ही हम आंकड़ा निकाले तो यहाँ पर लगातार ये केंद्र पूरा हादसों का बहुत बड़ा स्थल बना हुआ है। निश्चित तौर पर यातायात से जुड़े विशेषज्ञों के लिए भी एक शोध का विषय है और तमाम जो वाहन चालक यहाँ से गुजरते हैं उनके लिए भी सतर्क रहने के लिए बहुत ही जरूरी मार्ग हो चुका है। आज जो घटना हुई है उसके बाद इलाज लोगों को जरूर समय पर मुहैया हो चुका है, जिसके कारण एक जो ये इससे भी ज्यादा अति गंभीर मामला हो सकता था वो नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल शुरुआती जांच के बाद प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक फिलहाल ये स्टीयरिंग फेल होने की वजह से हादसा हुआ है। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां ये बड़ा हादसा हुआ है, बस जो है अनियंत्रित होकर यहां पर पलटी और हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, वही 3 लोगों की हालत यहां पर गंभीर बताई जा रही है जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो मौके पर पुलिस जो है वो पहुंच गई है और लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश में। जबलपुर से आज से